अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आज कोई ख़ास नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं इधर और वाह और वानिया यहाँ पे, वानिया इंजॉय कर रही है क्योंकि वो उधर सामने ना ढोल वाला आया हुआ है, ढोल बजा रहे हैं, तो ये बड़े इंजॉय कर रही है इधर देख के। और वाह और वानिया दोनों इधर ही ना काफ़ी टाइम से इधर ही खड़ी हैं। वो सामने ढोल वाला और हेल्पर आई थी, वो सफाई करके चले गई और मैंने किचन भी नीट कर लिया अपना और घर भी साफ है। इधर मैं उर्वा की करने लगी हूँ पोनी हेयर, सुबह भी करती हूँ दोपहर भी शाम भी। इसके तो ना हेयर का बड़ा मसला, ये रफ से हल्के से हेयर है ना, इनकी वजह से इसके हेयर निकल आते हैं, तो इसके पोनी वगैरह होती रहती है। तो अगर किसी के पास है हेयर ट्रिप्स, कोई अच्छा सा है कोई के बच्चों के हेयर ग्रोथ के लिए के अच्छे ये हल्के से बालों के लिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये इसके मुझे हेयर का बड़ा मसला है अभी, जैसे कल शावर लिया और लग ही नहीं रहा कि शावर लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह एक दो दिन तक इसकी कटिंग करवाने भी मैंने जाना है, फिर कटिंग हो जाएंगी ना तो फिर थोड़े से हेयर जो रफ है ना वो उतर जाएंगे। यहाँ पर उर्वा की पोनी हो गई थी, अब सही जी हो गई। और वानिया के तो सुबह से ये पिन लगी हुई है, तो फिर भी रो रही है कि मेरे पिन नहीं लगाई, आपो को पिन लगा देती हैं मेरे नहीं लगाती। ये तो दो बहनों का ये बड़ा इशू होता है, इसको ये कर दिया मुझे ये नहीं किया। आज बाहर का मौसम बहुत प्यारा हुआ, ठंडा हुआ है और बच्चे भी घर में ही हैं, वरवा तो वानिया फिर इंजॉय करी, नहीं तो वानिया के लिए होते इतना इंजॉय नहीं करती, बैठी रहे तंग करती है पीछे पीछे बस ऐसे ही। चलते हैं बाहर का मौसम देखते हैं कैसा है। आज मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आज ऐसे ही मैं ब्लॉग बनाऊँगी। कभी कभी मैं यानी ऐसे बनाऊ करूँगी, वॉइस ओवर मुझे तब ज़्यादा करनी पड़ती है जब मेरे बच्चे ज़्यादा पीछे तंग कर रहे हों, बोल रहे हों आपस में, तो फिर मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। और ज़्यादातर वैसे मैं ऐसे ही कोशिश करूँगी कि मेरा ऐसे ही व्लॉग आए, वॉइस ओवर करने की मुझे ज़रूरत ना पड़े, जो कि ऐसे व्लॉगिंग करने का अपना ही ऐसे मज़ा है। तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ बाहर का, किस किस के शहर में इस तरह का मौसम है प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताएं कि कहाँ बारिश हो रही है और कहाँ बादल हैं, हवा तेज़ चल रही है। हमारे तो कल हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद ऐसा मौसम ठंडा है बस। और ये मौसम मुझे किस तरह का ना, यानी कि ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और ज़्यादा यानी कि गर्मी भी नहीं है, और बड़ा अच्छा सा मौसम है ना, इस तरह का मौसम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इनको तो यही होता है बस टेरेस पे हों, टेरेस का दरवाज़ा खुला और हम बाहर हों बस। देखिए कितनी अच्छी हवा आ रही है, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो जाएगा वीडियो में। आज मैंने कपड़े धोने थे तो फिर मैंने नहीं धोए, सैटरडे है ना, जारी बात है सैटरडे और संडे तो मेरा ज़रूर होता है कि मोस्टली मैं कपड़े जल्दी से धो लूँ, तो आज मैंने कपड़े धोने थे मैंने नहीं धोए, ठंडा मौसम है दिल ही नहीं किया। तो कल इंशाल्लाह ज़रूर वॉश करूँगी, अगर ना भी यानी कि मौसम अच्छा हुआ फिर भी ज़रूर धो लूँगी, क्योंकि उर्वा का यूनिफॉर्म शूज़ बैग सब कुछ मैंने वॉश करना होता है, संडे सैटरडे ये मोस्टली होता है। यूनिफॉर्म इसके दो हैं, ट्रैक सूट हैं, और वैसे भी एक दो दफ़ा इस तरह कलरफुल में चले जाती, कलर ड्रेस में चले जाती है, तो वीक गुजर जाता है इसी से। चलते हैं किचन की तरफ, अब कुछ बनाते हैं बच्चों के लिए क्योंकि टाइम जो है वो हो रहा है दोपहर के 2:30, तो इसलिए कुछ बनाते हैं। सुबह नाश्ता हमने आज लेट ही किया था, सैटरडे था, फिर भी बच्चे हैं भूख लग जाती है बच्चों को, बच्चे तो फिर कहते हैं हमें तो जल्दी से बना दें खाएं हम। मेरे तो बच्चों का यही सारा दिन काम ख़त्म नहीं होता, इधर से मैं चीज़ें किधर आई हूँ तो इधर से अब इसने सारा त्रास खोल के हैंगर एक त्रास में मैंने रखे थे, और ये मैंने दराज वालों से मंगवाया हुआ था स्टैंड वॉशरूम के लिए, इसके ऊपर चीज़ें वगैरह हैं रखने के लिए, तो अभी तक नहीं लगाया तो ये पड़ा हुआ था, इसके साथ खेलना शुरू कर दिया। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, कुछ बना लो कुछ खिला लो और चीज़ें समेट लो, इधर से समेटी उस रूम से, उस रूम से इधर, किचन का किया
अभी के हेल्पर का बड़ा है कि वो काम कर जाती है घर की सारी सफाई, तो काम फिनिश हो जाता काफ़ी हद तक। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सवैयाँ, सवैयाँ ये वाली जो होती है कलर वाली ना, ये वानिया बहुत शौक़ से खाती है और डेली इसका यही होता है कि मम्मा सवैयाँ ये वाली बना दो। ये सवैयाँ बनाऊंगी और साथ में थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर देती हूँ ना, तो फिर एक तो कलरफुल हो जाता है और बच्चे शौक से खा लेते हैं, और दूसरे नंबर पे इसका टेस्ट जो है उसके खाने को ये बहुत पसंद है। ये डेली इसका यानी कि एक ही बात होती है मैंने ये वाली सवैयाँ खानी है, तो डेली तो नहीं, चलो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं बना देती हूँ ये, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं होती कि डेली बच्चा खाए और मेरे के लिए बेस्ट नहीं है, तो ये फिर मैं एक दिन छोड़ के अब मैं बनाने लगी। बड़ी खुश हो रही है कि मेरी सवैयाँ मेरी फेवरेट बन रही हैं। यहाँ पे सवैयाँ बन रही हैं, हल्की आंच पे मैंने रख दिया, ये बनती हैं तो फिर मिलते हैं आपसे। इधर सवैयाँ बन रही हैं और उधर मैंने उर्वा और वानिया को पढ़ने के लिए बैठा दिया। उर्वा तो माशा स्कूल जाती है, तो वानिया को भी मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा ना ट्रीट करें, तो यहाँ पे पढ़ रही हैं दोनों। आपको आवाज़ आई होगी, पढ़ रही पढ़ती ऐसे ही, अभी पढ़ना क्या, इसने खेलती है ज़्यादा इधर उधर, इसको कभी खोला कभी बंद किया कभी पढ़ लिया जैसे उर्वा करती है। उर्वा ने भी अभी तक सही तरह से पढ़ा नहीं है, ये भी इंजॉय कर रही है अभी। तो बाहर तो बारिश शुरू हो गई है, साथ हल्की सी धूप है, तेज़ हवा और साथ में बारिश, ये देखें। ये मेरे घर की बैक साइड है, यहाँ से सही यानी कि नज़र भी आ जाता है, उधर से बाहर जाना पड़ता है दरवाज़ा खोल के। इधर से इसी से मैं साथ साथ सवैयाँ बना रही हूँ, वो पढ़ रही हैं, तो चले मिलते हैं सवैयाँ बनाने के बाद। आज मैंने लेके जाना था बच्चों को बाहर पार्क वगैरह, तो काफ़ी दिन से उर्वा और वानी कह रही थी, तो मैंने कहा हुआ था कि सैटरडे या संडे लेके जाऊंगी, तो मैंने सोचा था कि चलो मैं आज सैटरडे ले जाऊंगी, तो वो बारिश हो रही है पर मौसम बहुत ठंडा हुआ है जिसकी वजह से अब मैं नहीं लेके जाऊंगी ना, तो अब वो गर्मी है वो थोड़ा सा हो रही तंग कि हमें पहले कहते लेके जाऊँगी अपन लेके नहीं जा रही। बच्चों को क्या पता है कि मौसम की वजह से रुकें क्या, कहे भी दे भी कहते नहीं नहीं चलो चले चलो चले। अब ये सवैयाँ बनती हैं ये इनको देखती हूँ, मैंने उनको पढ़ने के लिए बिठाया, वो पढ़ तो नहीं रही, लड़ रही हैं आपस में, बुक्स के साथ खेल रही हैं। ये जो सवैयाँ ना इनकी जो खुशबू है वो इतनी अच्छी होती है, इतनी प्यारी लगती है, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होती हैं और खुशबू भी इनकी बड़ी अच्छी होती है। वानिया ने सबसे पहले ये काम शुरू किया, वानिया को बहुत पसंद है ये, कल के आंच पे बन रही हैं, चलो बनती तो फिर उन्हें थोड़ा सा वो अपनी बुक्स के साथ खेलें फिर बाद उनको ठंडी करके देते हैं और खाते हैं। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड मिक्स कर लिया थोड़ा सा ही, बस ऐड करना, ज़्यादा नहीं करना कि वो जैसे हम बनाते हैं वैसा नहीं, बस नॉर्मल सा थिक और कलर देना है जिससे ये खुश हो जाती हैं दोनों बहनों। ये देखिए कितना प्यारा कलर, लाइट सा येलो, और सवैयाँ भी रेडी हो गई हैं बिल्कुल, अब ये रेडी है बिल्कुल, अब इनको ठंडा करते हैं और बच्चों को देते हैं, बच्चे करते हैं इंजॉय। यहाँ भी मैंने बादाम कट करके डाल दिए हैं, ये देखो कितनी जल्दी पड़ी है सवैयाँ की, देखने की कि रेडी हुई है या नहीं हुई, तो किचन में आकर देख रही है कि मम्मा दिखाएं रेडी हुई है या नहीं। हाँ जी बादाम भी मैंने डाल दिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ आज हमारा आपको छोटा सा मिनी सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें कमेंट ज़रूर करना, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।